अभी हम एक तुमको इंग्लैंड की छोटी सी घटना बताएं, सच घटना वैज्ञानिकों का। एक लड़की को ऐसा एक रोग हो गया था, एक लड़का, छोटा सा लड़का, 5-7 वर्ष का। डॉक्टरों ने कहा कि यह रोग जो है असाध्य है, इस रोग का कोई दवा हमारे यहां नहीं, ले जाओ, कोई चमत्कार कर सकता है तो हो जाए। वह एक फकीर के यहां ले गए, फकीर बैठे हैं ना, फकीर के यहां ले गया, कहा कि भाई कुछ कर दो, इनका ठीक हो जाए। कितना वर्ष का लड़का है? 5 साल का। लाओ, क्या डॉक्टर बोला है? कहा कि ये ठीक नहीं होगा। कहा कि लाओ एक बोतल पानी लाओ। पानी ले गया एक बोतल, उसको रखा, सीक्रेट साइंस जानते हैं ना तुम लोग, चार्ज कर दिया, ले जाओ दो दो बूंद इस लड़के को रोज पिलाना, 1 साल में लड़का ठीक हो जाएगा। दो दो बूंद बत पिलाना सुबह शाम दोपहर। वह लड़का 5 साल का था, सुबह शाम दोपहर पीने लगा, और 1 साल आते आते वह लड़का चंगा हो गया। डॉक्टर के यहां जब गया, कहा कि तो गजब हालत, कैसे ठीक हो गया? कहा कि पानी देने से। वही उसके बहन को ये रोग हो गया, 15 साल की थी उसकी बहन को। वो डॉक्टर ने कहा कि इसके तो कोई दवा ही नहीं है हमारे यहाँ, ये लड़का कैसे ठीक हुआ था? कहा कि वो बाबा पानी दिया था, जाओ पानी मांग लो। फिर गया वो पानी के लिए, लड़का लड़की, वह कहा गुरु जी इस लड़का ठीक हो गया, पनिया दे दीजिए ना। कहा कि इसको हम नहीं दे सकते। कहा कि पानी में क्या पैसा लगता है? कहा कि पानी में पैसा लगे या ना लगे, लेकिन यह लड़की 15 साल की हो गई है, यह अपनी बुद्धि लगाएगी ना। वह लड़का 5 साल का था, उसमें बुद्धि नहीं लगाया, पूरी श्रद्धा से ग्रहण किया, और हम ठीक करें या ना करें, इसका श्रद्धा इसका रोग ठीक कर दिया। अब समझ गया, तुम लोग किसी को देते हो ठीक नहीं हुआ, इसलिए समझो किसको देना है, वाटर चार्ज कर किसको देना है। वो फकीर कहा कि हम ठीक करें या ना करें, इसकी श्रद्धा ठीक कर दिया, इस लड़की को दे नहीं सकते हैं। फिर लोग ले गए हॉस्पिटल में, फकीर देने से मना कर दिया, कहा कि उसको पानी में पैसा क्या लगता है यार, मना कर दिया। तो कहा कि नहीं दे रहा है। कहा कि अब तो ये लड़की ठीक नहीं हो सकती है, बहुत सोच माच कर कहा कि लड़की अब ठीक होगी तब जब इस लड़का खून इसमें डालें, क्योंकि इस लड़का का खून जो है अब उस रोग से लड़ने की क्षमता रख लिया है ना, वह खून यदि इसमें जाने तो हो सकता है उस रोग से यह क्षमता हो तो लड़की ठीक हो जाए। उस लड़का से कहा कि तुम खून देगा बच्चा, 10 साल का हो गया था। कहा देगा ना, समझा कि हम खून दे देंगे हम मर जाएंगे जिंदा हो जाए। लोगों ने समझाया कि बेटा तुम्हारी बहन जी जाएगी, दे दो। कहा ठीक है देंगे। जब खून वह देने लगा, वो लड़का मुरझाने लगा। अब डॉक्टर समझ गया कि हमारा सब खून चला जाएगा, वो जिंदा हो जाएगी, हम मर जाएंगे, लड़के मर जाएगा। उसका खून बीच में रोककर साइकोलॉजिस्ट को बुलाया गया। डॉक्टर हम साइकोलॉजिस्ट होते हैं हॉस्पिटल में, साइकोलॉजिस्ट को बुलाया गया, उसके कान में कहा कि बेटा तुम क्यों सोच रहा है कि तुम्हारा सारा खून निकल जाएगा, तुम्हारा खून बहुत, तुम्हारे शरीर में जितना है ना उसका 1/10 हिस्सा निकाला जा रहा है, और अभी तुम्हारे खून लेने के बाद एक हम जूस पिलाएंगे जिससे कि दुगुना खून तुम्हारे शरीर में बन जाएगा 1 मिनट में। अब लड़का तुरंत उसके चेहरे पर लालिमा आने लगी, खून निकाला जा रहा है लेकिन अब चेहरे में लालिमा आ गया कि नहीं वो जूस पिला देगा 2 मिनट में ठीक हो जाएंगे। देखो ये तुम्हारी श्रद्धा की बात है। और ठीक वही हुआ, उसका खून निकाला गया और वह डॉक्टर जो है कोई जूस अपने दुकान पर होता है ना लेकर के पिलाया, कहा कि यह अलवेला जूस है और इसके दर तुम जितना खून दिया है दुगुना खून आ जाएगा, शक्ति दुना आ जाएगी। और वह लेकर के अपने हाथ से रुमाल में ढक को करके बढ़िया से पिलाया, यह लो। अब लड़का जब पिया सचमुच में एकदम खत करते दुना ताकत आ गया। वो लड़का कूदने लगा, उछलने लगा, कहा कि नहीं डॉक्टर साहब तो दुना ताकत आ गया। कहा कि हाँ जब जब तुमको खून देना होगा हमारे यहाँ आ जाना, हम यह जूस स्पेशल अपने पास रखते हैं और किसी किसी को पिलाते हैं, जब तुमको पिलाएंगे तुम्हारा दुना हो जाएगा। अब वह लड़का हरदम पूछता था अपने बहन के, और खून की जरूरत नहीं है, हम देंगे खून। तो देखो यह तुम्हारे श्रद्धा की बात है। सेक्रेट साइंस कामधेनु है, यदि तुम चाहो तो उसे कामधेनु से काम ले सकता है, लेकिन कुछ उसमें से आता है, गुरुजी हम करते हैं तो सुनता ही नहीं। अरे तुम क्या करता है यार, तुम्हारी श्रद्धा नहीं है ना, यह श्रद्धा की बात। इसलिए कबीर साहब कहते हैं श्रद्धा चवर प्रीत कर धूपा नूतन नाम साहब कर रूपा। हम लोग श्रद्धा यदि नहीं करते हैं कैसे होगा? श्रद्धा जब हो जाएगा तब श्रद्धा से
अब जो है चंवर जो है, देखता किसी महात्मा को इधर चंवर डोलाते हैं, पंखा पंखा भी नहीं है, उसे हवा भी नहीं होती है, वह चंवर डोलता है, वह चंवर श्रद्धा का प्रतीक जो लेकर खड़ा रहता है भक्त, वह श्रद्धा का। अब तो हम लोग खड़े भी रहते, कहते गुरु जी कब तक खड़ा रहे, थक गए श्रद्धा चमकता है ना, अब 2 घंटा हो गया, 2 घंटा में दूसरे का ड्यूटी डाला जाए, श्रद्धा पहले जो है श्रद्धा को वह चंवर लेकर खड़े रहते थे, श्रद्धा के उसे पंखा नहीं होता है, हवा भी नहीं होता है, लेकिन वह श्रद्धा का प्रतीक था। अब समझा कबीर साहब ने श्रद्धा का चंवर कि यह श्रद्धा में सेवा में खड़ा है। तब प्रीत का धूपा, अब तक गर्भवती भी जनाना हम छोड़ दिए, दिल्ली आश्रम में और जगह आश्रम, क्योंकि हम गए थे काशी में एक आदमी के श्मशान को लेकर के गए थे, तो वहां पर सब हम लोग जान गया ले आया कुर्सी उर्सी बैठे श्मशान घाट पर, कुर्सी लगी बैठे सब दौड़ने लगा, महाराज जी आए हम महाराज घाट पर। एक डोम को बुलाकर हम पूछे, जो बांस पर नहीं जाता है और जो जिसमें जलाए जाते हो ना राख, वह भी इकट्ठा किया जा रहा था, रखा था इतनी राख भी जिसमें तुम जलाए जाते हो और बांस को भी इकट्ठा जा रहा है। हम कहने किस लिए रखा है, बात बहाता नहीं है। कहा कि यही तो हमारी आमदनी है, विशुद्ध आमदनी, आदमी की जलता है उसका रखी राख आमदनी है तुम्हारी। अच्छा ही बिजनेस श्मशान पर आदमी का राख क्या करते हो। कहा कि जो अगरबत्ती बनाते हैं लोग, वो अगरबत्ती आदमी का जला हुआ है, जब यह ले जाकर अगरबत्ती बनाता है तो यह बड़ा धीरे धीरे जलता है, अच्छा से जला तो बहुत सुगंधित हो जाता है। हिंदुओं में एक परंपरा है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने का, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ यह हिंदुओं में एक परंपरा विशेष है और दुनिया में कहीं नहीं। भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम है 1000 नाम। तू बद्रीनाथ गया है वह तुम्हारे साथ विष्णु सहस्त्र नाम का हवन किया होगा, पाठ किया होगा, यानी 1000 नाम है। 1000 नाम का मतलब सृष्टि के सारे नाम भगवान के नाम हैं और सभी नाम नूतन हैं, सभी जो है रूप में भगवान नूतन है, इसका मतलब यह समझ। कौन सा उसका नाम कहें, यदि किसी मोहम्मद साहब के नाम को दूसरे नाम से पुकार दो दंगा हो जाएगा। यहां कहा है कि नहीं, 1000 सहस्त्र नाम का मतलब सारे नाम उन्हीं के हैं। जब सारे नाम उन्हीं के हैं तो सारा रूप भी उन्हीं का है। विष्णु का अर्थ है विश्व के अणु में जो बसा हुआ है, सारा रूप भी उन्हीं का हो गया ना। जब सारा रूप उन्हीं का है तो जो भी रूप देखेगा वह नूतन दिखाई पड़ेगा ना। कहते हैं कि अब देखो एक निपुण आदमी कह रहा है नूतन नाम साहब का रूप, उस साहब का रूप जो है नूतन नया है। तुम लोग पिकासो का नाम सुना होगा, पिकासो बड़ा चित्रकार था, बड़ा एक चित्र बनाया और मुलामेला में लगा हुआ था। पिकासो का मित्र ही उस चित्र का दाम उस समय बोला 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया हम देंगे, लेकिन पिकासो से पूछ लेते हैं उसका चित्र बनाया हुआ है ना। पिकासो से पूछा कि मित्र यह तुम्हारा चित्र हम 5 लाख में खरीद रहे हैं, तुम्हारा बनाया हुआ है ना। कहा कि नहीं। कहा कि तुम्हारा चित्र नहीं है। कहा कि नहीं। कहा अगर कैसे बोल रहे हो यार, हम देखे हैं एक बार तुम्हारा यह बनाते हुए। कहा कि देखा है बनाते हुए चित्र ना, तो उसका नकल ना हुआ, तो जो नकल करता है उसका अकल खराब ना हो जाता है। अरे पागल, कोई चित्रकार भी ओरिजिनल चित्र बना सकता है क्या, कहीं ना कहीं देख करके नकल करता है। वह ओरिजिनल चित्र तो बनाने वाला एक परमात्मा है और वह जो बनाएगा ओरिजिनल होगा। कहीं तुम जो वह ज्वाइंट ब्रदर भी देखा होगा उसमें भी कुछ अंतर होता है। परमात्मा तुम देखो इतने हजारों आदमी बैठे हो, किसी का रूप एक तरह है, सबका रूप अलग अलग है। तो जो ओरिजिनल रूप बनाता है, चित्र बनाता है, वह परमात्मा बनाता है, और आदमी जब बनाएगा वह नकल करता है। पिकासो कहा कि हम तो नकल करते हैं, तो मैं कैसे कहूँ कि यह मेरा चित्र है, मैं नकल किसी का किया, मेरा नकल कोई और करेगा। नकलचियों की दुनिया है और नकलची इंसान है, परमात्मा जो ओरिजिनल है। इसलिए यह समझ लो परमात्मा जो है सदैव जो है नूतन बनाता है, नया बनाता है, आदमी नकल करता है। इसलिए कहते हैं नूतन नाम साहब का रूपा। यदि तुम मैथोलॉजी जो है हिंदुस्तान की मैथोलॉजी ब्रॉड माइंडेड है, और कबीर साहब ऐसे आदमी कह रहे हैं कि नूतन नाम साहब का रूपा, यह हिंदू मुसलमान नहीं कह रहे हैं, ईसाई नहीं कह रहे हैं,
कहते हैं कि सब साहब का ही रूप, सब नया है, नूतन है, सदैव नूतन ही रहता है। यदि उस साहब को देख लेता है तब आपको जो है सभी आत्माओं में वह परमात्मा नूतन दिखाई पड़ने लगता है। जैसे कोई निर्झर बह रहा हो और निर्झर को छोड़ करके तुम एक पताल पूड़ी कुआं खोदो, कहो कि नहीं हम रस्सी से पानी खींचेंगे इसका पिएंगे, यह मूर्खता ही ना होगा। उसी तरह से हम उस परमात्मा को छोड़कर कहीं एक जगह, हम एक देश में कहीं एक जगह बैठा हुआ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में जाकर उस परमात्मा को खोज रहे हैं, वह कुआं खोदना ही हुआ ना। वह परमात्मा तो अपन को बनाया जा रहा है, पूरा जगत में अपने ही को ही ने बनाया है, परमात्मा पूरे जगत में फैला हुआ है और पूरे जगत में अपने को व्यक्त कर रहा है कि देखो मैं नूतन रूप में हूं, यहां दिख रहा है तो इस रूप में मैं ही हूं, उस रूप में मैं ही हूं। इसे कबीर साहब के नूतन रूप कब, जबकि श्रद्धा चवर होगी तब, प्रीत का धूप खिलेगा तब, श्रद्धा का चमन और प्रीत का धूप खिल जाएगा तब उस परमात्मा को नूतन रूप को हर रूपों में देखने लगेगा। आगे कह रहे हैं कि गुदरी पहरे आप लेखा जिन्हें प्रकट चलायो भेखा। अब कह रहे हैं कि शरीर रूपी गुदरी, ये शरीर रूपी गुदरी है ना, पहना है, जब इच्छा हो इस गुदरी को छोड़ देगा, दूसरी गुदरी पहन लेगा। तुमने पूछे, मैं आज से तुमसे पूछूं कि अभी तुम बचपन से लेकर अभी तक कितने कपड़ा बदला, कितना पैंट शर्ट बदला है, कितना कोट बदला है, तुम कोई एक आदमी नहीं उत्तर बताएगा, भूल जाता है, फट बदल देता है नया आते। इसी तरह से गुदरी जो ही पुरानी होती है तुम बदल करके नए गुदरी में चले जाते। तुम्हारे अंदर जो साहब हैं वो तो शाश्वत हैं, सत्य हैं, न बूढ़ा हो रहे हैं, न जल रहे हैं, न मर रहे हैं। भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं न उसे जलाया जा सकता है, न उसे मारा जा सकता है, न उसे शास्त्रों के द्वारा छेदा जा सकता है, न पानी में डुबाया जा सकता है। अर्जुन तुम किसको मार रहे हो, इस गुदरी को? यह गुदरी तो यहीं रह जाएगा ना। इसलिए कहते हैं कि गुदरी पहरे आप अलेखा, कहते हैं अलेखा, उसे लिखा नहीं जा सकता है। पहले शुरू हुआ अलख पुरुष जब किया बिचारा, अलख पुरुष जिसको लखा ना जाए, यहां से ज्ञान गुदरी शुरू हुआ है, अलख पुरुष। यहां पर कहते हैं कि गुदरी पहरे आप अलेखा, अलेखा अलेखा आ गया, फिर लिखा नहीं जा सकता, उसके बारे में कहा नहीं जा सकता है। कितने बार तुम इस गुदरी को पहना और कितने बार फिर मुक्त हुआ, अब इस गुदरी से प्रेम कर लिया, प्रेम कर लिया ना, इस गुदरी के लिए रो रहा है, गा रहा है। किसी गुदरी छूट गई, लड़का लड़की पत्नी किसी की छूट गई तो कूदने लगता है, नाना लगता है कि नहीं नहीं हमारे साथ आ, यह गुदरी है समझ लो, इसलिए इसका लेखा नहीं किया जा सकता है। कहते हैं कि कबीर साहब को इसलिए कहा गया है, गगन मंडल से उतरे सतगुरु सत कबीर, जलज माह पौधन किए दो पीरन के पीर। कहा गया गगन मंडल से उतरे इस गुदरी के बारे में, और जब मरे भी तो उनका शरीर नहीं मिला, शरीर उनके प्रिय राजा थे काशी नरेश वीर सिंह बघेल, और जहां इस गुदरी को छोड़े हैं वहां का राजा बिजली खां, दोनों में संघर्ष हो गया कि नहीं हम इस यहां पर मंदिर बनाएंगे, हम मस्जिद बनाएंगे। सुनते हैं कि जब दोनों में संघर्ष हो गया, युद्ध होने के हुआ, तब फिर आकाशवाणी हुई, अरे भाई खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा, मुर्दा मिथ्या युद्ध कर ठानी। जो हमने दोनों समाजों में एकता की बात की, समानता की बात की, फिर वही आ गई बात ना, कोई हम पर्दा तक खोलो। जब वीर सिंह बघेल और ये दोनों गए, जो चादर उड़ाया गया था चादर देखे कि फूल की ढेरी है, कोई गुदरी नहीं है, गुदरी चली गई। उसी फूल पर आधा बांट रहा बांटे तो वहां पर जो है मंदिर बनाए, जो आज मंदिर पड़ा है, अब बगल में
मुसलमान लोग मस्जिद बनाए, उसमें से कुछ फूल लाए जो काशी कबीर चौरा में मंदिर बनाया गया कबीर साहब का, उसी फूल पर, और वहां मंदिर मस्जिद दोनों है मगहर में। तो कह रहे हैं कि यह जो है गुदरी, जिनने यह प्रकट चलायो भेखा, भेख जो चलाया है भेखा, संत कबीर साहब ने इस गुदरी के माध्यम से संत पंथ चलाया, संत संत मत चलाया, पराविज्ञा का पराविज्ञा उन्होंने बांटा। और इसको यहां पर उन्होंने परा विद्या चला करके लोगों में यह ज्ञान गुदरी के माध्यम से यह बताए। इसलिए कहते हैं कि उस अलख को लख चुके हैं, जब तुम उस अलख को लख गया तो तू अपने मन से ही स्वेच्छा से इस ज्ञान गुदरी को छोड़ देगा, गुदरी को, और पुनः चाहे तो कोई गुदरी धारण करो, नहीं चाहो तो आत्म शरीर में रहो, ब्रह्म शरीर में रहो, जिस शरीर में रहो इस गुदरी की शरीर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हम निम्न में रहते हैं तब हमको शरीर की जरूरत होती है, इसलिए बहुत निम्न आत्माओं का शरीर जब छूट जाता है तो वे प्रेत बन जाते हैं, और प्रेत बन करके फिर वो अपने ही लायक आदमी में प्रवेश करते हैं, प्रेत प्रेत में जाएगा। जब तुमको प्रेत पकड़ लेता है तो समझो कि तुम्हारी स्थिति उच्च साधना की नहीं है, इसे तुम साधना करके आप अंदर जो है वह परम ज्योत जला लेगा तो अंधकार टिकेगा, प्रेत टिकेगा। इसीलिए हमारे यहां आते हैं लोग प्रेत के, कहते हैं कि तुम यह ज्ञान गुदरी में दीपक जला लो, ध्यान की साधना कुंजी पकड़ लो, ध्यान करो, सीक्रेट साइंस करो, दीपक को जला लो, वह स्वतः चला जाएगा, चूंकि वह निम्न है, बहुत निम्न है। आगे कहते हैं, साहब कबीर बख्श जब देना, सुर नर मुनि सब गुदरी लीना। कहते हैं कि साहब कबीर बख्श जब देना, कबीर साहब सृष्टि में पहले सब प्रथम बार जब ज्ञान गुदरी अर्थात पराविद्या, पराविद्या पराविज्ञान को, आत्मविद्या को इस संसार में जब प्रथम बार दिए, संत समाज का उल्लेख किए, और इस सार शब्द को लेकर के परम पुरुष से एकाकार हुए, उस परमात्मा से एकाकारत्व में आस्थापित किए कि बुद्धि अपने स्वयं हुए, तब दूसरे को बताए। जब तक स्वयं नहीं होगा तब तक दूसरे कैसे बताएगा। इसीलिए बुद्ध ने कहा अप दीपो हो, अपना प्रकाश अपने तो बनो, जब अपने प्रकाशित हो जाएगा तब ना दूसरे का दीपक जलाएगा, यदि हम नहीं बने तो नहीं जला सकते, हमारा कोई कहना बात नहीं मानेगा। इसलिए कहते हैं कि ज्ञान गुदरी संसार के लिए इन्होंने प्रदान किया, तब सुर नर मुनि देवता सभी को प्रदान किया गया।